नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल ARCSIP में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के कंटेंट मिलेंगे और सब्जेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाला बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सेक्शन है। पहला सेक्शन हमारा IT का है, उसके बाद वाला सेक्शन जो है वो है क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का है, जिसका वीडियो मैं आज यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि मैंने डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पूरा कवर कर लिया है, उसमें 10 वीडियोज है। उसके बाद इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम, तो वो भी मैंने 6 वीडियो इसके ऊपर बनाई है। 4 वीडियोज आपको डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाई प्लॉट इन पाइथन पे मिल जाएगी। पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी इस बार इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रहने दिया है। एक ही वीडियो अपलोड करके फिर उसको स्टॉप कर दिया था, ताकि जैसे ही रिवाइज सिलेबस मैंने देखा वो पार्ट इसमें नहीं था, पर प्रोजेक्ट के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो शॉर्ट टाइम इसको कवर करने वाला हूँ। उसके बाद यूनिट 2 डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, तो इसके जो 3 पार्ट थे 6 वीडियो बना करके मैंने यहाँ पे रख दिए है। तो आपने अगर एक भी वीडियो मिस किया है तो यहाँ पे जा करके आप दे सकते हैं, मेरे होम पेज में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई दोस्त है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, उनको आप रिफर करना चाहे तो ये सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। पाइथन प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स यूनिट 1, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग विथ लिस्ट क्लास 11, NCERT सॉल्यूशंस, तो ये सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है क्लास 11 के लिए। सिमिलरली क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पे जारी है। फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट अभी चल रहे हैं, कुछ रीजन की वजह से मैं इसको इतना फास्ट नहीं कर पाया, ताकि ये सब्जेक्ट अभी मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ IP पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कवर किया है। तो आपके कोई दोस्त है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के मेरे वीडियोज वॉच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप, ये क्लास 9 का AI का कंटेंट है। 9-10 का ऑलमोस्ट सेम था, अब जो 10th के स्पेशल प्लेलिस्ट है वो अब आने वाले हैं और यहाँ पे मेरे पॉपुलर अपलोड्स आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोअर क्लासेस के लिए सैंपल पेपर्स वगैरह भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा करके देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3, दैट इज नेटवर्किंग फॉर क्लास 12 IP। तो यहाँ पे देखिए ये सारे मैंने वीडियोस कवर कर दिए हैं, तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है तो इसको देख लीजिए, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन टाइटल है वो है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, उसके बाद देखने वाला है नेटवर्क टाइप एंड टॉपोलॉजीज। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग बहुत ही सिंपल है, जैसे आप अगर किसी एक सिंगल अलोन कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टैंड अलोन कंप्यूटर होगा, पर जब आप उसी कंप्यूटर को एक से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो चाहे आप वायर से कनेक्ट करें या विदाउट वायर कनेक्ट करें, तो उसे हम कहेंगे नेटवर्किंग। तो वहां पे नेटवर्किंग बन जाती है, तो इसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो नेटवर्किंग का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार रहेगा, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टूगेदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सिस एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टूगेदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सिस एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो वो हो गया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए बेसिक जो कुछ डेफिनेशंस होती है वो भी मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डेफिनेशंस इसमें कवर होनी चाहिए। बेसिकली जो डेफिनेशंस होती है, नोड है, सर्वर है, क्लाइंट है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, P2P नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मैं आपको एक जब कंप्यूटर साइंस का मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा, ताकि उसका डिटेल उसमें है। यहाँ आईपी वाले में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो यहाँ पे नेटवर्क टाइप से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मायसेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल ट्यूटोरियल ARCSIP। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो 3 पैरामीटर्स आर देयर, नेटवर्क टाइप्स कैन बी डिसाइडेड बाय दिस 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज साइज, सेकंड वन इज जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइज, यहाँ पे साइज का मतलब क्या होगा? तो साइज होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज, इसमें कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए, तो वो जो सारी चीजें है वो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन भी कवर किया है, स्मॉल नेटवर्क्स लिंक्स फ्यू कंप्यूटर्स टूगेदर, वेयर एज ह्यूज नेटवर्क कैन लिंक थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स टूगेदर। तो इसका मतलब क्या है कि छोटा नेटवर्क जो होता है उसमें
कम कंप्यूटर्स होता है, और जो बड़ा नेटवर्क होता है उसमें थाउजेंड्स हजारों कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे ये तीन पैरामीटर है नेटवर्क के टाइप को डिसाइड करने वाले। तो ये तीनों पैरामीटर के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस वो हो गया कि जैसे एक ऑफिस आपका अहमदाबाद में है, दूसरा ऑफिस आपका बड़ौदा में है, और तीसरा ऑफिस आपका बॉम्बे में है। तो ये हो गया जियोग्राफिकल डिस्टेंस। तो इन तीनों के बीच में आपको नेटवर्क तो करना ही होगा, ताकि आपका जो इंटरनल डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंपनी का डेटा है, वो कैसे जाएगा, वो कैसे मैनेज होगा। तो उसके लिए हमें नेटवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और वो जो नेटवर्क होता है उसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो थोड़ी सी अलग चीज है, वो इस नेटवर्क में नहीं आती। तो हम जो नेटवर्किंग डिस्कस करने वाले हैं वो ये कॉर्पोरेट में जो नेटवर्क होता है, या तो हम कहेंगे प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो लेआउट से लेकर के उसका इंस्टॉलेशन कितने कॉम्प्लेक्स लेवल पे है, उसे हम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। तो उसके आधार पर यहाँ पे चार टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो सिंपल है, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये चार टाइप के नेटवर्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको नेटवर्क डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उसमें यूज हो रही है। टोपोलॉजीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का बेसिक क्या होता है, बेसिक ये है, टोपोलॉजीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क लेआउट। सॉरी, तो जो नेटवर्क लेआउट का टाइप्स होता है उसे हम टोपोलॉजीज कहेंगे। तो मतलब कि आपके नेटवर्क के लिए जो लेआउट लगेगा, कौन सा लेआउट आप यूज करना चाहेंगे, उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द इंटरकनेक्शन टू द नेटवर्क यूजिंग केबल्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। तो यहाँ पे लेआउट में क्या होता है, बेसिकली इंटरकनेक्शन, नेटवर्क के केबल्स के थ्रू आपके जो डिवाइसेस है उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे वो पूरा यहाँ पे आएगा। तो इसी कहते हैं टोपोलॉजी। टर्म्स आर कंसिडर्ड व्हाइल क्रिएट टोपोलॉजी फॉर द नेटवर्क। अब जब आपको नेटवर्क का डिसाइड करना है, टोपोलॉजी डिसाइड करनी है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली तीन फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉस्ट। तो सबसे पहला है कॉस्ट। एज मेनी ऑफ द कंपनीज आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ऑब्वियसली आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, अगर आप कंपनी के पैसे बचाते हैं तो आप एक अच्छे एम्प्लॉई है, वो हर कंपनी समझती है, और हर किसी कंपनी में यही एक रूल चलता है, सिंपल रूल। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे जैसे आप लेआउट अगर सेट करेंगे तो सबसे पहले आपको इसके बारे में सोचना है कि कौन सा लेआउट हमारी कंपनी के लिए बेटर रहेगा और कम खर्च में या तो कम कॉस्ट में हमें एफिशिएंटली वर्क करने का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो सकता है, वो आपको सोचना है। सो द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस एंड केबल्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसमें बेसिकली ये तीन पैरामीटर्स है, एक कॉस्ट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, तो नेटवर्क डिवाइसेस, केबल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी जब आप नेटवर्क एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। बिकॉज नेटवर्क में सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस आएंगे, तो आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लेआउट के हिसाब से कौन कौन से डिवाइस आपको चाहिए और कौन से डिवाइसेस बेस्ट रहेंगे वो आपको सोचना है। उसके बाद केबल इंस्टॉलेशन, तो केबल इंस्टॉलेशन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे केबल का मेन जो हब या सेंटर में जो भी हम लगाना चाहते हैं, स्विच होगा या भी जो भी सर्वर रूम होगा, वो सर्वर रूम एग्जैक्टली ऐसा रहना चाहिए कि जहाँ से कम नेटवर्क केबल इंस्टॉल करने पड़े, और मेंटेनेंस भी उसका अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आपको देखनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है मेनी टाइम्स द ऑफिस लेआउट एंड स्ट्रक्चर मे बी मॉडिफाइड। तो हम देखते हैं कंपनी में क्या होता है, ज्यादातर कभी कभी ऑफिस लेआउट और स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, या तो बॉस के चेंज होने से या तो फिर किसी और वजह से कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, तो हमें मेन ऑफिस और लेआउट पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ता है। सो एज नेटवर्क लेआउट कैन बी ऑल्सो फ्लेक्सिबल एनी चेंज फिजिकल ऑफिस स्ट्रक्चर चेंजेस। ओके, तो आपको क्या करना है कि जितना नेटवर्क आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, नेटवर्क लेआउट, जब भी कोई भी ऑफिस चेंज होता है तो आपके नेटवर्क लेआउट को इधर उधर कुछ करना नहीं पड़े, कम एफर्ट्स में आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा।
द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर शुड ऐड और रिमूव और रिकन्फिगर द नेटवर्क लेआउट इजीली। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसको, आप नहीं हैं या तो आपकी जगह कोई और है जब आप ऐसे काम एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं या कोई भी बंदा हो तो उसको भी ये काम करने में आसानी रहे, ऐसा नेटवर्क लेआउट आपको रखना चाहिए। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी। अ नेटवर्क फेलियर हैपन्स क्वाइट ऑफन इन द नेटवर्क। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क फेलियर। तो कभी कभी नेटवर्क फेलियर के भी इश्यूज आते हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? दो टाइप के नेटवर्क फेलियर होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल नोड फेलियर और दूसरा होता है एंटायर नेटवर्क। तो इंडिविजुअल नोड फेलियर किसे कहेंगे कि कभी कभी काम करते करते क्या होता है कि कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो वहां पे वो काम नहीं करता नेटवर्क में प्रॉपरली, तो उसे कहेंगे नोड फेलियर क्योंकि आपका एक कंप्यूटर ही खराब हुआ है पूरे नेटवर्क में। सेकंड है एंटायर नेटवर्क। कभी कभी एंटायर नेटवर्क, पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली छह टाइप की टॉपोलॉजीज है, स्टार, बस और लीनियर, रिंग और सर्कुलर, ट्री, मैश और फुल्ली कनेक्टेड। तो आइए शुरू करते हैं, अब पहले नेटवर्क टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप यहाँ पे डिस्कस किया था हमने वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क रिफर्स टू द नेटवर्क क्रिएटेड बाय पर्सन्स और इंडिविजुअल्स। तो आप अगर अपने लेवल पे कोई फाइल शेयर कर रहे हो अपने दोस्त के साथ तो वो क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने जेंडर से फाइल शेयर कर दिया, हालांकि जेंडर अभी बैन हो चुका है तो हम जेंडर यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले जब करते थे, अब आप ब्लूटूथ या वाईफाई से कोई भी फाइल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, मोबाइल से टैबलेट में या टैबलेट से लैपटॉप में ले जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एरिया नेटवर्क। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये होता है स्मॉल ऑफिसेस के लिए या तो स्मॉल फिजिकल बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क्स आर लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक एरिया एंड कवर लिमिटेड डिस्टेंस। अ नेटवर्क दैट स्प्रेड अप टू अ बिल्डिंग, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेटवर्क आपके एक बिल्डिंग से एक ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित रहता है, एक इंस्टीट्यूट तक सीमित रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका जो रेंज होता है वो रेंज बहुत ही कम होता है। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस। और लैन में क्या होता है कि आपके पास, यहाँ पे मैंने जैसे फोटो दिखाई है, एक सेंट्रल डिवाइस कोई होता है वहां पे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे देखिए, ये जैसे कोई सेंट्रल डिवाइस यहाँ रख दिया और सारे जो अलग अलग कंप्यूटर्स है या तो जो भी डिवाइसेस है वो सब इसी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसी को हम कहेंगे लैन। तो सारे डिवाइसेस वहां पे इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर आप मान लीजिए और इसे मान के चलिए कि ऐसा लैन होता है। दिस कनेक्टिविटी इज डन बाय मींस वायर्स और यूजिंग वाईफाई। तो ये आप देख सकते हैं कि या तो वायर से या तो वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है। इट प्रोवाइड शॉर्ट रेंज नेटवर्क विथ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। और इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो हाई स्पीड होगा और शॉर्ट रेंज के अंदर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर इन द रेंज। इट प्रोवाइड स्पीड अप टू 10 Mbps नोन एज इथरनेट एंड 1000 Mbps इज नोन एज गीगाबिट इथरनेट। तो यहाँ पे जो है पहला जो 10 Mbps का स्पीड है उसे हम कहेंगे इथरनेट और दूसरा जो 1000 Mbps का है उसे हम कहेंगे गीगाबिट इथरनेट। उसके बाद है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। सो इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन। इट कैन बी स्प्रेड ओवर सिटीज ऑफ वन कंट्री। इट कैन कनेक्ट डिफरेंट सिटीज ऑफ अ कंट्री। इट प्रोवाइड्स लेस स्पीड कंपेयर टू लैन। इफ यू आर यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग केबल टीवी इज कंसिडर्ड एज अ मैन। वन मैन नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30-40 किलोमीटर। सर्टेन लैन कैन फॉर्म अ मैन क्वाइट ऑफन। तो यहाँ पे देखिए, मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें कुछ लैंस आप कनेक्ट करके भी एक मैन बना सकते हैं। इट कैन बी स्प्रेडेड ओवर सिटीज। आप सिटीज के ऊपर अलग अलग सिटी देश के अगर है किसी एक देश के तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अलग अलग सिटीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो स्पीड होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा लैन के कंपैरिजन में, लेकिन एफिशिएंट। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर आप इंटरनेट जो केबल टीवी वाला यूज करते हैं ब्रॉडबैंड, तो उसे मेन में कंसिडर किया जा सकता है। तो ये है, और इसका जो रेंज है वो 30-40 किलोमीटर्स तक रहता है। आगे बात करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। द वैन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क वी आर गोइंग टू कवर अंडर नेटवर्क टाइप एंड टॉपोलॉजी। इट कवर्स द लॉन्गेस्ट जियोग्राफिकल एरियाज। तो सबसे लंबा जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे कवर होता है वाइड एरिया नेटवर्क में। इट कैन स्प्रेड ओवर कंट्रीज। तो ये कंट्री के ऊपर भी इसको स्प्रेड किया जा सकता है। मैनी लैंस एंड मैंस कैन बी कनेक्टेड इन द वैन।
तो बहुत सारे लैन और मैन को मिला करके हम वैन बना सकते हैं। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। इन दिस नेटवर्क लैंस एंड मैंस आर कनेक्टेड यूजिंग वायर्स और वाईफाई। इट इज मोस्टली यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस इंस्टीट्यूशंस हैविंग वेरियस ब्रांचेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जहाँ पे आपके जो बिजनेस है, आपकी जो ब्रांचेस है, वो अगर थ्रू आउट ग्लोबल या तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो आप यहाँ पे वैन यूज कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन वैन। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क टॉपोलॉजी। सबसे पहले टॉपोलॉजी है वो है स्टार टॉपोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए स्टार टॉपोलॉजी, दिस इज मोस्ट पॉपुलर टॉपोलॉजी इन द लैंड। तो अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए बेस्ट और सुटेबल टॉपोलॉजी है स्टार टॉपोलॉजी। अ सेंट्रल डिवाइस हब और स्विच इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेज विथ केबल्स। तो आपके पास केबल है, उसके साथ आप सेंट्रल डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे कि हब और स्विच हो गया। आप जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि स्विच क्या है, तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है, जहाँ पे हम पंखे लाइट्स वगैरह चलाते हैं। तो हर रूम में अलग अलग स्विच रहता है और उसमें कितने भी डिवाइस आप कनेक्ट करके उसको ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली नेटवर्क में भी ऐसा होता है, हब और स्विचेस। तो ऐसा सेंट्रल लोकेशन पे इसको रखा जाता है और उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ईच डिवाइस कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर वाया सेंट्रल डिवाइस। दिस टॉपोलॉजी यूजेस इथरनेट केबल फॉर नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे इथरनेट केबल का यूज किया जाता है। द रीजंस बिहाइंड इट्स पॉपुलैरिटी आर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्पीड। इसके पीछे ये तीन रीजन है, सबसे पहले कॉस्ट, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा स्पीड। इसके बाद अगर कुछ बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी एक्सेस, सेकंड इजी कॉन्फ़िगरेशंस, प्रॉब्लम डायग्नोसिस और सिंपल प्रोटोकॉल्स। ये कैसे है? इन स्टार टोपोलॉजी द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद पॉइंट्स दैट एक्सेस एनी डिवाइसेस इजीली। तो इसके साथ पॉइंट होते, तो कोई भी डिवाइस को आप कनेक्ट करके कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी इजी रहेगा, सीधा आप एक जगह पे वो डिवाइस लगा दीजिए, उसमें केबल लगा दीजिए, दैट्स इट। तो वो होगा इजी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद प्रॉब्लम डायग्नोसिस, कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आप सिंपली उसको हटा दीजिए वहां से और फिर उसको रिपेयर करके आप बाद में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नेटवर्क पे नहीं रहता है। बट हाँ, अगर कोई मेन सर्वर जो होता है, सर्वर पे अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज है, केबल लेंथ, यहाँ पे जितना लंबा आप उसको स्प्रेड करना चाहेंगे, केबल लेंथ विल बी अ बिग डील फॉर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, क्योंकि केबल लेंथ अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें दिक्कत आ सकती है। डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, आप उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसके बाद सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, और पूरा मैंने जैसे बताया कि सर्वर फेल तो सब कुछ फेल। दूसरा जो टॉपोलॉजी है वो है बस और लीनियर। द बस और लीनियर टॉपोलॉजी यूजेस अ सिंगल लेंथ केबल टू कनेक्ट द डिवाइसेस। यहाँ पे एक सिंगल लेंथ केबल होती है, एक ही केबल पे सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। दिस सिंगल लेंथ केबल हैज अ टर्मिनेटर एट बोथ एंड्स, और दोनों एंड में टर्मिनेटर होते हैं। मोस्टली दिस टॉपोलॉजी यूजेस कॉक्सियल केबल। तो आपने जो टीवी का नेटवर्क पहले देखा होगा, अब सेटअप बॉक्स हो गए, लेकिन पहले नहीं थे तो हम यूज करते थे केबल चैनल्स। तो वो चैनल का जो केबल होता था उसमें आप देख पा रहे थे कि एक ही केबल से हर घर पे वो कनेक्शन दिया जाता था, टी कनेक्टर को जोड़ के। सेम वही यहाँ पे बस और लीनियर टॉपोलॉजी में होता है। द डेटा ट्रैवल्स इन बोथ डायरेक्शन, और इसमें दोनों डायरेक्शन पे डेटा ट्रैवल होता है। उसके बाद बात करें इसके कुछ फैक्टर्स की, तो एडवांटेजेस जो है वो है शॉर्ट केबल लेंथ। इसमें इतने लंबे केबल नहीं होते, शॉर्ट केबल लेंथ इसमें होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका बहुत ईजी है और चीप भी है, एज ओनली सिंगल केबल इज यूज टू एस्टेब्लिश द नेटवर्क, क्योंकि एक ही केबल पे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ केबल्स इंस्टॉलेशन। जैसे आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टार में अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग केबल चाहिए, यहाँ पे अलग अलग केबल की जरूरत नहीं है। इजी टू एक्सटेंड, द एक्सटेंशन ऑफ द नेटवर्क बिकम्स वेरी इजी यूजिंग अ सिंगल लेंथ केबल विथ रिपीटर ओवर जियोग्राफिकल डिस्टेंस। आपको अगर इसे स्प्रेड करना है तो आप बीच में रिपीटर लगा दीजिए, एक डिवाइस आता है एम्पलीफायर की तरह जो आपके नेटवर्क को एम्पलीफाई कर सकता है, तो वो लगा दीजिए और फिर आप इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, डिफिकल्ट टू डायग्नोज अ फॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही केबल पे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो सारे डिवाइसेस वन बाय वन चेक करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप देखते थे कि पहले वाले चैनल्स केबल में कभी कभी चैनल चलते ही नहीं थे लंबे लंबे दिनों तक। तो उसमें वो क्या करते हैं कि जनरली वो डिवाइस ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है।
तो इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। और नोड फेलियर एंटायर नेटवर्क फेलियर, और इसमें एक भी सिस्टम में कहीं गड़बड़ आ गई तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये लंबा आपने उसको किया है तो द रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस व्हेन एनी चेंजेस अकर। कोई भी चेंज अगर होगा, एड या रिमूव होगा बीच में, तो पूरा रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको फिर से करना पड़ेगा। एड रिमूव नोड इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन दिस टॉपोलॉजी। नेक्स्ट इज रिंग और सर्कुलर टॉपोलॉजी। द नेक्स्ट टॉपोलॉजी, द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ रिंग विथ टू नेबरिंग नोड्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल फॉर्म होता है जिसमें दो आसपास के डिवाइसेस के साथ आपका कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। जैसे आप अगर बैठे हो और आपके राइट में कोई आपका फ्रेंड बैठा है और लेफ्ट में भी कोई एक फ्रेंड बैठा है, उसका अगर हाथ आप पकड़ लेंगे तो आपने क्या बना लिया, एक रिंग नोड बना लिया। या तो सर्कल में आप अगर बैठ जाएंगे एक दूसरे के हाथ पकड़ के, तो वो क्या बन जाता है, रिंग। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एक कंप्यूटर को दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ऐसा एक लेआउट बनता है। द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विथ एडजेसेंट नोड। और जैसे डेटा ट्रांसफर होगा वो आपके दोस्त को पहले मिलेगा, फिर वही दोस्त उनके पास में जो होंगे उनको पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार से इसमें ट्रांसफर होता है। द डेटा ट्रांसफर्स इन वन डायरेक्शन इनसाइड द रिंग, और ये एक ही डायरेक्शन में होगा। द एडवांटेज ऑफ रिंग टॉपोलॉजीज आर शॉर्ट लेंथ केबल। तो इसमें आप जैसे समझ गए होंगे कि सबसे कम लेंथ का केबल इसमें चाहिए, ताकि नेबरिंग नोड से अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है तो आपको एक छोटे से केबल से उसको कनेक्ट कर लेना है। वायरिंग क्लोजेट रिक्वायर्ड, और जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं आपको वहां पे एक क्लोजेट रखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। नोड फेलियर रिजर्व टू द नेटवर्क फेलियर। यस, ये छोटा सा और सिंपल इसका मेथड है कि जब भी आप रिंग यूज करेंगे, कोई भी एक कंप्यूटर टूट गया या तो डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क टूट सकता है, पूरा नेटवर्क डैमेज हो सकता है। ये चेन की तरह मैं बात कर रहा हूँ, टूट जाना मतलब चेन अगर टूट गया तो पूरा नेटवर्क वहां पे बिखर जाएगा। डिफिकल्ट टू डायग्नोज अ फॉल्ट, फिर जैसे बस टॉपोलॉजी में हम देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी डायग्नोज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है उसको ढूंढना। डिफिकल्ट टू रिकन्फिगर अ नेटवर्क, नेटवर्क को रिकन्फिगर करना भी उतना डिफिकल्ट है। अब ट्री टॉपोलॉजी की बात करें, द ट्री टॉपोलॉजी इज सिमिलर टू बस टॉपोलॉजी। इन ट्री टॉपोलॉजी द नेटवर्क शेप्स लाइक अ ट्री विथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड टूगेदर। तो एक ट्री की तरह होता है, एक के अंदर से अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे निकलती है, पर ये बस टॉपोलॉजी की तरह ही होता है, एक ही केबल के साथ आप कनेक्ट करते हैं। वन नोड इज कनेक्टेड विथ डिफरेंट ब्रांचेस, इट ऑफर्स अ सिमिलर एडवांटेज एज बस टॉपोलॉजी। तो उसके जो एडवांटेजेस है उसके जैसे ही एडवांटेज ये भी ऑफर करता है। उसके बाद मैश टॉपोलॉजी, द लास्ट टॉपोलॉजी फॉर टाइप एंड टॉपोलॉजी इज मैश टॉपोलॉजी। द मैश टॉपोलॉजी ऑफर्स एक्सेलेंट कनेक्टिविटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इन दिस ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन डिवाइस। तो यहाँ पे हर एक डिवाइस दूसरे अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है। दिस डिवाइसेस प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव रूट्स, और उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स कहीं से मिल जाते हैं। इट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस, द डेटा लोड इज कैरिड बाय द नोड, इट इज मोर सिक्योर एंड ऑफर्स प्राइवेसी, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉल्ट डायग्नोसिस इज वेरी इजी। तो यहाँ पे मैश टॉपोलॉजी में ये होता है कि कनेक्टेड है तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा लोड होता है वो किसी एक कंप्यूटर के ऊपर नहीं रहता, वो यहाँ पे कैरिड बाय द नोड, तो मतलब जो नोड होता है उसी के ऊपर ये डिराइव हो जाता है। तो जितने कंप्यूटर ज्यादा होंगे उतना लोड कम रहेगा। इट इज मोर सिक्योर एंड ऑफर्स प्राइवेसी, ये सिक्योर है और प्राइवेसी ऑफर करता है, फॉल्ट डायग्नोज करना बहुत ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, द इंस्टॉलेशन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ नेटवर्क इज डिफिकल्ट, एज ईच नोड इज कनेक्टेड मोर देन वन डिवाइस, द कॉस्ट इज मोर कंपेयर टू द अदर टॉपोलॉजी, इट रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ केबल्स। तो यहाँ पे ये है, तो ज़्यादा केबल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वो मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेरीज हैं। और यहाँ पे कमेंट करके जरूर पूछिए आपके डाउट्स, तो मैं आपको यहाँ पर भी रिप्लाई दूंगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं तो किसी और स्टूडेंट्स को आपके जैसा अगर सेम डाउट है तो उनको वहाँ पे आंसर
मिल जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट करिए अपना जो भी डाउट है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरा ये वीडियो पहुँचाइए, तो उनको भी इसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।